पढ़ाई करने से कोई फायदा है नहीं। पहले का नॉलेज कम था ना, बुढ़ापे का जो बुढ़ी बुढ़ी थे उन लोग का नॉलेज कम था, वो लोग नहीं चाहता था पढ़ाई लिखाई होके, वो लोग चाहते थे नाचे गावे, हमारा पद भी आगे बढ़े कि नाच गाने में सब अच्छी लगे। तो मुझे डांस सिखाना, मार मार के डांस सिखाना, पैर में घुंघरू पहनाना, बातें विचारे सिखाना, ताली बजाना, ये सब सब सिखाने चालू कर दिए। तो डर सा महसूस होता था, डर के डर 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 के मैं वो काम करती थी। तो वो लोग जो है कि जो पैर में घुंघरू बांधते थे, उसके बाद तालियां भी बजाना सिखाए थे। हाँ, पहले तो एक महीने बाद में सीखी ताली बजाना, मेरे को ताली नहीं आता बहुत था। बहुत यातना करते थे, मारते पीटते मारते पीटते थे बहुत बहुत। तो आप 5वीं क्लास में थी यहाँ पे, तो यहाँ से उठा कर उठा के लेके कहाँ पर ले गए? रांची लेके गए थे मुझे। रांची लेके? रांची, बोकारो, रांची। अच्छा अच्छा तो फिर वहाँ पे आप पूरा ये जो है कि जितना भी मतलब कि होता है इन लोगों का आप सीखे उनके यहाँ? हाँ, वहीं से सीखी। मैं इधर नहीं जानती थी कि क्या होता है, हमको ये सब पता नहीं था। वहाँ पे ले जाने के बाद बहुत बहुत अत्याचार भी किए मेरे साथ बहुत। जैसे एक भैंस कसाई के खूंटे पे जाता, कसाई जो खासा औरत के साथ मर्द के साथ जिंदगी बिताए, औरत लोग को देख के फील होता है कि हमारा भी बच्चा हो क्या, हमारा भी पेट फिगर हो, लड़की जैसे चेहरा हो, कि लोग मुझे लड़की बोले, छक्का ना बोल पाए कोई भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता। भगवान मेरे को बिगाड़ा तो बिगाड़ ही दिया अच्छा से, दिल खोल के बिगाड़ा वो। तो वहाँ से आप कब आए और कैसे आए? मेरा जैसे 7 साल तक मैं वहाँ पे थी। 7 साल के बाद मैं एक प्रधान के घर में अच्छा दे रखी थी, वो बोला जो किन्नर होगा पेवर किन्नर उसको मेरे साथ थोड़ा मिलाइएगा। तो हम उसको अच्छा दिए थे, तो उसका बच्चा हुआ था, तो हम डांस करने गए, तो वहाँ से चोरी चोरी पेशाब के बहाना से मैं भाग के पीछे गई, पीछे से भाग के जैसे जंगल वंगल था उसमें गई। वहाँ पे लड़के लोग मुझे छेड़ने लगे कि माल अच्छा जा रही है, अच्छा आ रही है। तो हम बोले भैया चलो हम अपने रूम पे देंगे, हम बस स्टैंड पे लेके भाग के गए, वहाँ से भाग के अपना घर पे आए हम। आप बस स्टैंड पे हैं, उसके बाद वहाँ से आप ट्रेन वाले से भी आए कि मतलब बस? नहीं, बस से आई सिवान, सिवान से ट्रेन पकड़ी मैं अपने घर पे। तो वो लोग कभी खोजने का प्रयास किए? अभी ये मेरे को मालूम नहीं, मैं अपने घर आई तो मैं कभी गई नहीं। किन्नर लोग मैं जाती हूँ, ट्रेन मांगती हूँ, बधाई करती हूँ, बट मैं एक जगह कहीं रही नहीं हूँ। पंछी जैसे उड़ना, इस डाल पे बैठना, उस डाल पे जाना, इधर जाना उधर जाना, बस यही करती मैं। 5 क्लास में आप पढ़ती थी, तो कैसे पता चला कि हमारा घर यहीं? लो, हमारा घर ही पढ़ाई किए ना, हम अपने घर से ही पढ़ाई किए। अच्छा, उस समय कितने साल की थी जब उठाया गया था? 6 से 7 8 साल, 8 साल तक। 8 साल में तो जानकारी हो जाती है। हाँ, ये जानकारी था मेरा घर यहाँ पे, बाकी रांची में नहीं जानती थी कि वहाँ से कैसे हम आएंगे यहाँ पे, इतना जानकारी थोड़ी थी। हाँ, मेरी बहन का नंबर याद था, मेरा बहन का नंबर जो था बहुत पुराना था, 10 साल पुराना, 12 साल, तो वो नंबर मेरे को याद था। वो नंबर से मैं दीदी के पास फोन की, वो अपना बता बता के मुझे बुलाई। ये बात है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने साल हो गए आए हुए? 5 साल। 5 साल हो गया, तो 4 से 5 साल हुआ। अब हमें इस समय है अच्छा, आपको उठा कर लोग ले गए हाँ। तो आप फिर वहाँ से आए भाग कर, और आपको भी मन करता है कि किसी को मतलब कि घर अगर हुआ ऐसा है तो उनके घर जाएं और उठा कर लेकर आए? नहीं, हम नहीं चाहते कि हम किसी के घर का बच्चा हो। लोग एक पैदा जो माँ बाप करता है तन से, उस बच्चे को हम क्यों जबरदस्ती उठाने जाएं, क्यों उठाने के लेके उसकी माँ बाप का दर्द हर हमारे ऊपर आएगा। माँ रोएगी, बाप रोएगी, तो उसका जितना रोना हुआ पड़ेगा तो मेरे ऊपर आएगा। हमारा ये सब जरूरत नहीं है कि हम लड़के बच्चे उठा के लेके आए, जिसका मन होगा मेरे पास आएगा, नहीं मन होगा तो नहीं आएगा। हाँ, मैं ये चाहती हूँ। ट्रेनों में किन्नर जो होते हैं ट्रेनों में, वो लोग लोगों को बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कोई बहुत नॉर्मल दिल के होते हैं नहीं परेशान करते हैं, तो क्या इसमें आप कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो परेशान करता है वो परेशान कभी जिंदगी में ना करे किसी को भी। प्यार से जो लेना है, जो देना है, वही तो बता रहे हैं, जो प्यार से मिल जाएगा वो अच्छा रहेगा, जो प्यार मोहब्बत से मिलेगा वो अच्छा रहेगा और अच्छा भी होता है। अच्छा, अपना अंग भी दिखा देते हैं वो लोग? अंग दिखाते जो हरामी लोग होते हैं, जो नकली होते हैं वो अंग दिखाता है, जो असली होता है वो नहीं दिखाता है अंग। हाँ, तो जो असली मतलब असली जो होता है गंभीर से रहता है, वजन गिरी से रहता है,
दो चार दस बात मजबूत सह के उसके बाद ओपन होता है वो, और जो नकली होता है वो फटाक से अपने आप ओपन होना चालू हो जाता है, मैं ये हूँ वो हूँ ऐसे वैसे फलान ढका दुनिया भर का पकड़ना अंग भी वो दिखाता है जो गुप्त अंग होता है। तो अच्छा, और आप लोग जैसे कि राजनीति में भी कई लोग आए हैं आपकी बिरादरी से, तो आप क्या आना चाहते हैं राजनीति में? क्यों नहीं, हम तो चाहते कि हम अगर बने तो लोग का सहायता करें, लोग का भला करें, लोग जैसा चाहे वैसा हम करने के लिए तैयार हुए, रोड बनाना, घर द्वार बनाना, लोग को गरीब का गरीब दूरी करने के लिए। हम भी चाहते कि हम भी नेता मुखिया क्या बोलते हो मुखिया वगैरह जो भी है मुख्यमंत्री जो भी मुझे बनाना चाहे लोग वो अगर बन सकते। अच्छा, हैं 5 तक यहाँ पे पढ़ी है? हाँ, मैं यहाँ 5 तक, और फिर 8 तक आप बता रहे हैं पढ़ी है, फिर 3 साल वहाँ पे पढ़ाई की थी। वो लोग मोहब्बत में भेजते थे? हाँ, थोड़ा थोड़ा टीचर को ले आके पढ़ाना, बुला के घर में। अच्छा, घर में पढ़ाते थे? आप बोलते थे कि हमको पढ़ना है। हम बहुत कोशिश किए कि हमको पढ़ाई करना है, हमको पढ़ना है लोग में। हम जैसे हम ये नहीं जानते थे कि हम किन्नर हैं, हमको बाद में पता चला जब वो लोग ताली वाली बजवाने लगे, मारने पीटने लगे, तो हमको पता चला कि हम किन्नर। पहले तो नॉर्मल तालियां बजाते थे, कुछ भी नहीं आता था मेरे को। हम जानते भी नहीं थे कि कौन किन्नर होता, क्या क्या होता है। हम ये जानते थे हम लड़की हैं। अच्छा खासा ये है। और कुछ कि नकली दांत लगवाई और सोने का। अच्छा 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 कितना मतलब आप भी मांगती होंगी? हाँ, मैं मांगती हूँ ना बधाई, बोली तो मैं बधाई करती हूँ। जो जिसका भला होता है वो ऐसे मुझे खुशी करके रखते हैं सब लोग, मतलब हम खुश, वो लोग को खुश करते तो हमको भी खुश रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ मुस्कान जी थे और इनके बारे में हमने बात किया, और इनको भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से इनको भी हर एक सुविधा मिलना चाहिए जो आम व्यक्तियों को मिलता है। तो और भी अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर कमेंट